कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत लयम् निर्मलं यद्यशस्कान्तं बभूव भुवनत्रयम् बभूव भुवनत्रयम्। अभी मैंने जो ये मंगलाचरण का श्लोक बोला है जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है इसे आज से लगभग 900 वर्ष पहले आचार्य वसुनंदी स्वामी ने स्तुति विद्या ग्रंथ की टीका लिखते समय किया है। स्तुति विद्या आचार्य समंत भद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, चामत्कारिक ग्रंथ है। उसमें बहुत काव्य कला निखर कर आई है, अच्छे अच्छे कवियों को चमत्कृत कर देने वाला, बड़े बड़े धुरंधर कवि भी दांतों तले उंगली दबा ले ऐसा ये एक बहुत ही अलंकारिक ग्रंथ है। स्तुति परक है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, जिन शतक इसका दूसरा नाम है, 100 श्लोकों होने के कारण। और उसी स्तुति विद्या पर भी कभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अद्भुत ग्रंथ आचार्य समंत भद्र स्वामी का है, उस पर आचार्य वसुनंदी स्वामी ने दो ग्रंथों पर टीका लिखी है, एक आप्तमीमांसा पर भी लिखी है, जो आप्तमीमांसा हम पढ़ रहे हैं उस पर भी उनकी टीका पाई जाती है, और उसके अलावा एक स्तुति विद्या पर उनकी टीका पाई जाती है। ये मंगलाचरण उस स्तुति विद्या नामक टीका के मंगलाचरणों में से 2 नंबर का श्लोक है। इसका हिंदी अर्थ भी वैसे आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पर हम देख लेते हैं। समंत भद्रम सद्बोधम, सद्बोध, सद माने सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के धारक आचार्य समंत भद्र की मैं स्तुति करता हूँ, मैं आचार्य समंत भद्र देव की स्तुति करता हूँ। आचार्य समंत भद्र कैसे थे? बोले वे सम्यक ज्ञान के भंडार थे। जो स्यादवादी हो वही सम्यक ज्ञान का भंडार होता है। वर गुणालयम, वो श्रेष्ठ गुणों के आलय थे, घर थे, खजाना थे, उनके अंदर श्रेष्ठ गुण भरे हुए थे। जो स्यादवादी होता है वही गुणालय होता है, जो स्यादवादी नहीं होता वो दुर्गुणालय होता है। एक तरफ वर गुणालय, ये सब चीजें जो आचार्य समंत भद्र पर घटित की जा रही हैं, ये स्यादवाद की स्तुति है प्रकारांतर से। सद्बोध और कुबोध, दो पार्टी बना लो, एक एकांतवाद पर घटित होगा, एक अनेकांतवाद पर घटित होगा, एक वर गुणालयम, एक दुर्गुणालयम। तो कह रहे हैं कि मैं आचार्य समंत भद्र की स्तुति करता हूं क्योंकि वे सम्यक ज्ञान के धारक थे और श्रेष्ठ गुणों के आलय थे। निर्मलम यद यशस्कांतम, यद माने जिनकी, यशस्कांतम, यश रूपी कांति,
कांति माने प्रकाश तेज, जिनका यश रूपी तेज यश रूपी प्रकाश एकदम निर्मल है। यश दो तरह का होता है, एक मलिन यश और एक निर्मल यश। जब व्यक्ति स्वयं तरह तरह से प्रचार प्रसार, लोग अपने पैसे से माला पहनने वाले बहुत मिलेंगे, अपना पैसा खर्च करके अखबार में विज्ञापन छपाते हैं, अब ये सब मलिन यश है। लेकिन निर्मल यश वो है जो निष्काम भाव से सहज ही प्राप्त होता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी का जो यश है, उनकी जो यश रूपी कांति है, उसकी दो क्वालिटी है। कीर्ति प्राप्त करना सब चाहते हैं, पर ऐसी कीर्ति जो निर्मल हो वो सबको नहीं मिलती है। और दूसरी क्वालिटी ये है कि बभूव भुवनत्रयम्, एक गली में पूज जाना, एक गांव में पूज जाना, एक छोटे से एरिए में पूज जाना, एक अपने संप्रदाय में, एक अकेली एक जगह। लेकिन ये कह रहे हैं कि आचार्य समंत भद्र की कीर्ति तीन लोक में व्याप्त हो गई। कैसे, ये सब सोचने का विषय है। तीन लोक में जिन आचार्य समंत भद्र की चर्चा स्वर्गों में भी इंद्रादि करते हों, ऐसे समंत भद्राचार्य की कीर्ति तीन लोक तक फैल गई है। कैसा सुंदर श्लोक है, समंत भद्रम सद्बोधम स्तुवे वर गुणालयम निर्मलम यद्यशस्कांतम बभूव भुवनत्रयम्। मैं आचार्य समंत भद्र स्वामी को प्रणाम करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि वे सद्बोध के धारक हैं, वे श्रेष्ठ गुणों के आलय हैं, और उनकी यश रूपी कांति अत्यंत निर्मल है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई, जब हम यश को चाहते हैं तो यश मलिन हो जाता है। जब जो व्यक्ति यश को चाहता नहीं है और फिर उसे यश मिले तो वो यश निर्मल होता है। ये यश की चर्चा भी बड़ी लंबी है, कभी एक घंटे चर्चा करेंगे। यश किसे कहते हैं और क्यों प्राप्त करना, कैसे करना, क्या इसकी इसका विधि विधान है। यश विद्या भी एक विद्या है बड़ी भारी, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे याद आ रहा है जो मैं सुना देता हूं यश के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक है, बड़ा अच्छा। अद्यापि कीर्ति कन्या कौमारम व्रजति महत दुर्वारम सद्भी न रोचते सा संत तस्यैव न रोचन्ते। मुझे ये श्लोक बहुत प्रिय है। पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में श्रावक के क्या क्या गुण होने चाहिए, श्रावक के जीवन में क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये बताते समय एक बात ऐसे भी लिखी है कि उसे एक उत्तम श्रावक को निर्मल यश अर्जित करना चाहिए। मुझे बहुत दिन तक ये बात समझ में नहीं आती थी कि मनुष्य गति में वैसे ही मान कसाय बहुत है और आप लिख रहे हो कि उसे निर्मल यश प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बाद में गहन चिंतन करने के बाद इसका बहुत अच्छा अर्थ समझ में आया। ये जो मैंने श्लोक सुनाया है ये बहुत सुंदर श्लोक है। एक दूसरा जो अभी कीर्ति के बारे में, उसका अर्थ बताकर आगे बढ़ता हूं। अद्यापि कीर्ति कन्या कौमारम ब्रजति महत दुर्वारम। कोई कवि लिख रहा है
कि कीर्ति रूपी कन्या आज तक कुमारी ही है और लगता है भविष्य में भी कुमारी ही रहेगी। उसका कभी विवाह नहीं होगा, उसका कभी किसी से परिणय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कवि बहुत अच्छी बात कहता है कि वो कीर्ति रूपी कन्या को जो लोग चाहते हैं, जो उसके पीछे पड़े हैं, जो लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, पीछा करते हैं, कीर्ति रूपी कन्या उनसे नफरत करती है, उनको पसंद नहीं करती है, उनका वरण नहीं करती है। और कीर्ति रूपी कन्या जिनको पसंद करती है वे उसे पसंद नहीं करते हैं। इसलिए लगता है कि कीर्ति रूपी कन्या हमेशा कुमारी ही रहेगी, शाश्वत कुमारी रहेगी, उसकी कभी शादी नहीं होगी। कितना सुंदर श्लोक है। अद्यापि कीर्ति कन्या कौमारं व्रजति महत दुर्वारं सद्भी न रोचते सा संततस्यैव न रोचन्ते। अति सुंदर श्लोक है, मार्मिक है, आप सब चिंतन करना। अब हम थोड़ी सी बात आप्त मीमांसा की करते हैं। बहुत ही बढ़िया श्रुताराधना चल रही है। आप क्या सोच रहे हैं, हम लोग 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हैं? कितने घंटे स्वाध्याय चल रहा है? सब लोग मिल करके जिस ढंग से स्वाध्याय कर रहे हैं, अपना ग्रुप भरा हुआ है, दिन भर चर्चा चल रही है, दिन भर चर्चा चल रही है, सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक जना नहीं, 50 लोग निरंतर मुझे भेज रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गदगद हो रहा हूं। बहुत सुंदर, इस श्रुताराधना को देखकर मन बहुत प्रफुल्लित होता है, बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे भी श्रुताराधना की। और बड़ा ही सुंदर ये प्रभावना के समाचार है, जिस तरह से आप सब लगे हुए हो वो एक बहुत प्रेरक है, चर्चा है। मैं उन बातों पर थोड़ी थोड़ी बात कुछ कहूंगा, लेकिन पहले ये क्या कहना चाहते हैं, यहां पर क्या प्रकरण चल रहा है, पहले मैं चाहता हूं हम सब इस बात को अच्छे से समझ लें। 10वें परिच्छेद की ये 3 कारिकाएं हमसे ले दे करके जो कुछ कह रही हैं, पहले हम उसको अच्छे से जमा लें, क्योंकि उसमें बहुत जगह भ्रांति रहती है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। बाद में आप लोगों के ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, 3 कारिकाएं जो कुछ कह रही हैं उसका संक्षेप में सारांश इतना सा है कि हम कहते हैं कि अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन ये कथन कितना भी महत्वपूर्ण हो पर स्यादवाद से स्वीकार करने योग्य है। इसको यदि हम सर्वथा स्वीकार करेंगे तो अनेकानेक विसंगति आ जाएगी, और वास्तव में बंध मोक्ष का दारोमदार मोह पर है, ज्ञान पर नहीं। हम कहते हैं ये एक ही पाठ को हम प्राइमरी में भी पढ़ के आते हैं, फिर हम हायर सेकेंडरी में भी पढ़ते हैं, फिर BA MA में भी पढ़ते हैं, फिर PhD में भी पढ़ते हैं, पर सब जगह अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही बंध मोक्ष का क्या कारण है, ये एक अत्यंत प्रयोजनभूत जीव के हित से जुड़ा हुआ पहले दिन का गुरुओं का जिनवाणी का उपदेश है, और उसमें कभी कोई आचार्य
चार योगों की अद्भुत विवक्षाएं शैली है, बहुत अनंत विवक्षाएं हैं, तो कभी कोई परिग्रह को बंध का कारण उपदेश दाता बताता है, कोई उपदेश दाता क्रिया को बंध का कारण बताता है, कोई उपदेश दाता किसी और को बताता है, और कोई उपदेश दाता ज्ञान को भी बताता है। परंतु सम्यक ज्ञान के अभिलाषी को इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि दुख की व्याप्ति मोह के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं है। देखो, जिसे बंध का कारण जाना जाएगा उससे पिंड छुड़ाओगे, उससे भागोगे। जो चीज बंध का कारण है उससे जीव भागेगा, जो चीज मुक्ति का कारण है उसे अपनाएगा। लेकिन अगर गलत चयन हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ बंध का सही कारण पहचानो, ये जोर दिया जा रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान बंध का कारण समझोगे तो तुम ज्ञान को ही नष्ट करना चाहोगे, और ऐसी गलती बहुतों से हो रही है। इस ये परिच्छेद एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए कह रहा है कि बहुतों से बड़े बड़े दार्शनिकों से ये गलती हो रही है कि वे समझ रहे हैं सारी समस्या की जड़ ये ज्ञान है, इसको खत्म करो, इसको नष्ट करो, हमारे सारे दुख का कारण ज्ञान है, बंध का कारण ज्ञान है। और उन्होंने अनेक दर्शनों में ज्ञान को दुख का, बंध का, संस्कार संसार का कारण माना और मोक्ष में उसका अभाव सिद्ध किया। ऐसा एक सामान्य व्यक्ति भी सोचता है। मैं भी कभी कभी बचपन में ऐसे सोचता था। मान लो उदाहरण के तौर पर मुझे पिताजी ने डांट दिया, तो मैं बचपन में दुखी होकर ऐसा सोचता था कि अगर मैं ये खंबा होता तो कितना अच्छा रहता, इस खंबे को कितना भी डांट दो, इसके थप्पड़ मार दो, इसको कोई दुख नहीं होता, मुझे दो शब्द कह दिए तो मैं चार घंटे से तड़प रहा हूं फालतू में। तो ऐसा लगता है कि ज्ञान ही दुख का कारण है। और बहुत दार्शनिकों ने, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है जिसको हम लोग छोटा समझ रहे हैं, ये छोटा विषय नहीं है। बहुत दार्शनिकों ने ज्ञान का अभाव माना मोक्ष दशा में, और ज्ञान ही दुख का कारण है। अगर आप एक दफे उनकी सभा में चले जाओ और उनका एक घंटे का व्याख्यान सुन लो तो आप हम में से दो चार आदमी बैठ सकते हैं, अरे ये तो वास्तव में बात सही है। वो ऐसे उदाहरण देते हैं कि जैसे समझो मेरी जेब कट गई और जेब कटने का मुझे पता नहीं चला तो मुझे कोई दुख नहीं हो रहा। मान लो किसी ने मेरे पर्स में से 1,000-2,000 रुपए निकाल लिए और मुझे पता नहीं चला, तो पता नहीं चला तो कोई दुख नहीं हुआ, और पता चल गया तो दुख हो गया। मान लो मेरे किसी जानकार की, मित्र की, रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई और मुझे पता नहीं चला, जब तक मुझे पता नहीं चला तब तक मुझे कोई दुख नहीं होता, लेकिन जैसे ही फोन आता है कि उनकी मृत्यु हो गई तो दुख होना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि देखो, अगर उसके मरने से दुख होता होता तो वो तो 3 दिन पहले मरा था, नहीं हुआ। आपको दुख पता चलने से हुआ, आपके पर्स में से रुपए निकले, अगर आपको पता नहीं चलता तो आपको दुख नहीं होता। पता चलना ही सारी समस्या है, पता ही नहीं चलना चाहिए, ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, इस ज्ञान को ही जड़ से काटो। ऐसे उन लोगों ने बहुत उदाहरण दिए, मैं तो कम दे रहा हूं, बहुत विस्तार से इस चीज को समझाते हैं कि ज्ञान ही दुख का कारण है। लेकिन जैन आचार्य तो बहुत बड़े नैयायिक हैं,
तार्किक हैं, वे पूरा अन्वय व्यतिरेक घटित करते हैं। वो कहते हैं कि सुनो, यदि ज्ञान दुख का कारण हो तो जब जब जहां जहां ज्ञान हो वहां वहां दुख होना चाहिए, और यदि और जब जब ज्ञान न हो तब तब दुख नहीं होना चाहिए। दुख की व्याप्ति ज्ञान के साथ बैठ जाए तो हम मान लेंगे कि ज्ञान दुख का कारण है, लेकिन दुख की व्याप्ति ज्ञान के साथ नहीं बैठती है, राग के साथ बैठती है। कैसे? कि देखो, मेरी पर्स का पता चलता है मुझे कि मेरे पर्स में से 1000 रुपए निकाल लिए, तो मुझे एक तो मुझे और ये ज्यादा दुख होता है। और अगर ये पता चले कि दिनेश जी के पर्स में से निकाले हैं तो फिर कह निकाले, दिनेश जी के निकाले ना, मेरे थोड़ी निकाले। कितना फर्क पड़ गया, क्यों फर्क पड़ गया? अच्छा, एक बात और सोचो, यदि मेरे पर्स में से मान लो मेरी जेब कटी, मैं कहीं समझ लो मैं चांदनी चौक जा रहा हूं, और मैं चांदनी चौक गया और लौट के आ रहा था तो देखा अरे अपनी जेब कट गई, तो देखा कि मैं उसमें 50,000 रुपए लेकर गया था जो किसी को देने थे, मैंने उसको रुपए दिए और देने के बाद में मेरी पर्स कट गई। मेरी जेब कब कटी? तो जेब कटी, लेकिन जब कटी तब उसमें सिर्फ 10-20 रुपए बचे थे, सारे मैंने चुका दिए। तो अब दुख कितना होगा? जितने ज्यादा रुपए होंगे उतना ज्यादा दुख होगा, जितना निकट का रिश्तेदार होगा उतना ज्यादा दुखदा। अभी हमें पता चल रहा है कि यूक्रेन में ऐसी ऐसी हालत हो रही है, अब वहां ये पता चले कि वहां कोई हमारा व्यक्ति फंस गया है, हमारा व्यक्ति मेरा जानकार मेट्रो टनल में फंसा हुआ है, तब कैसा लगता है? माने दुख बराबर, दुख का संबंध घटना से नहीं है और दुख का संबंध ज्ञान से भी नहीं है। वही घटना मेरे पिताजी की मृत्यु 5 वर्ष पहले हुई, और जिस दिन हुई उस दिन मैं रो रहा था और आज नहीं रो रहा हूं। क्यों? ज्ञान तो आज भी है। मेरे पिताजी की मृत्यु का ज्ञान मुझे आज है कि नहीं है? जेब कटने का ज्ञान हमको 15 दिन, हमें हम उल्टा आनंद ले ले। मैं बताऊंगा कि 5 साल बाद मैं सुनाऊंगा कि एक दिन मैं चांदनी चौक गया था और मेरी जेब कट गई। अब जेब कटी इस बात को आनंद लेके सुना रहा है, ये क्या हो गया? तो दुख की व्याप्ति मोह के साथ में है, ये हमको यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी बहुत गहराई से समझाना चाहते हैं। आपका फोकस कहाँ होना है, आपको करना क्या है? आप ज्ञान से मत नफरत करो। आप ज्ञान, लोग ज्ञान से नफरत करते हैं, सोचते हैं कि यही सब मुसीबत का कारण है। जानना दुख का कारण नहीं है, जान कर जानते हुए राग द्वेष की जो धारा बहती है। एक बड़ी बारीक बात है जो सभी शास्त्रों में, समय सार आदि में तो बहुत आई है, ज्ञान और राग का भेद ज्ञान करो। ज्ञान ज्ञान स्वभाव का अंश है, राग विभाव का अंश है। दोनों मिले जुले होकर भी ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान के साथ जो राग मिला हुआ है वो दुख का कारण है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर हमारी समझ में आ जाए। हम सोचते हैं मैं जानूंगा ही नहीं, जानना तो आत्मा का स्वभाव है, वो जानना बंद नहीं हो सकता। देखो, एक व्यक्ति गरम चाशनी अपनी जबान पर डालता है, एक बूंद गरम चाशनी अपनी जबान पर डालो तो डालते समय क्या होता है?
दो बातें पता चलती है। अगर मैं एक बूंद गरम चाशनी जबान पर डालूं तो एक साथ मुझे दो प्रकार की अनुभूति होती है, दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक मीठा है, दो गर्म है। क्योंकि रसना पे डलवाया है मैंने जानबूझ के, हाथ पे नहीं डलवाया। रसना पर इसलिए डलवाया है कि वहां रसना इंद्री भी है और स्पर्शन इंद्री भी है, तो वो रसना इंद्री कहेगी कि मीठा है और वहीं पर स्पर्शन इंद्री कहेगी कि गर्म है। अब जो विवेक किसका नाम है, सम्यक ज्ञान किसका नाम है, विवेक किसका नाम, विवेक, विवेक शब्द भी बहुत अच्छा है, विवेक, स्वपर विवेक, नीर चीर विवेक, मोक्ष मार्ग का हेतु ज्ञान नहीं विवेक है। मैंने एक छोटा सा दो पेज का लेख लिखा है ज्ञान और विवेक, वो भी पढ़ना आप लोग, दो ही पेज का लेख है ज्ञान और विवेक, और उसमें सिद्ध किया है कि मोक्ष मार्ग का कारण विवेक है। ज्ञान ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है, अविवेक संसार का कारण है और विवेक मोक्ष का कारण। विच धातु नीर चीर विवेक स्व पर विवेक, तो वो जो विवेक ये जानेगा कि इस चाशनी में जितना ये जो मुझे गर्म पना भासित हो रहा है ये अग्नि की प्रॉपर्टी है, चीनी की प्रॉपर्टी नहीं है, और ये जो मीठा पना भासित हो रहा है ये चीनी की प्रॉपर्टी है, अग्नि की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे वो भेद ज्ञान करेगा। ये ही यहां भेद ज्ञान कर, ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, ये तत्व ज्ञान का मूलाधार है, ये सम्यक दर्शन का आधार है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ यहां से होता है। इतने में पता चलता है आत्मा की सामर्थ्य, इतने में पता चलता है आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव, सब कुछ पता चलता है। लेकिन पहले में पहले ज्ञान और राग, देखो मैं राग बोलूं मोह बोलूं या एक ही बात समझना, कोई भ्रम में नहीं पड़ना, राग बोलो मोह बोलो कुछ बोलो, तो इस प्रकार वास्तव में ये बात एकदम हस्तामलकवत संयुक्त सिद्ध हो जाती है कि मोह ही बंध का कारण है। जितना जितना मोह उतना उतना बंध, जहां जहां मोह वहां वहां बंध, बंध की व्याप्ति मोह से है। मोह के बराबर बंध मिलता है, ज्ञान के बराबर नहीं मिलता। मोह बिकता है कर्म की के बाजार में, कर्म के बाजार में ज्ञान का खरीददार कोई नहीं है, वो वहां कोई नहीं खरीद, मोह बिकता है। आप जितना मोह करोगे, मोह का पेट भी सब लोग अच्छे से समझ लेना, मैंने मोह पर भी एक छोटा सा लेख लिख रखा है। मोह माने क्या, अक्सर मोह माने ये समझते हैं कि माँ को बेटे से मोह है, मुझको घर से मोह है, लेकिन मोह माने, हाँ दिनेश जी, मोह प्रमाण बंध है, हमको ये समझ। और मोह माने भी हम सब कोई, सब लोग अच्छे से समझ लो, देखो मुझे किसी से द्वेष है, मान लो मुझे दिनेश जी से आज गुस्सा आ रहा है दिनेश जी पर, तो मैं ये कहूं कि मुझे दिनेश जी से मोह है, तो आप मानोगे का मोह है, आप तो गुस्सा कर रहे हो उल्टा उन पर। अरे गुस्सा भी मोह का अंग है, मोह के सारे पूरे 28 भेद हैं, वे सब इस पेटे में आएंगे, दर्शन मोह और 28 क्यों 29, सारे के सारे भेद मोह के पेटे में आएंगे और वही विभाव है और वही बंध का कारण है। ये बात तो हो गई सिद्ध, अच्छे से सुस्थापित है। लेकिन अब हमारी जो चर्चा चल रही है बहुत गहराई से, वो भी बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी मोटी नहीं है, बड़ी काम की चर्चा चल रही है। वो क्या चर्चा चल रही है
कि जब मोह बंद का कारण सिद्ध हो गया तो आचार्यों ने कहीं कहीं ज्ञान को बंद का कारण कैसे कहा, एक बात। दूसरी बात, जैसे जिस शब्दावली में देखो, दिनेश जी ने प्रश्न किस इस ये शब्दावली मुझे एक अच्छी लगी, क्या कि मोह को बंद का कारण सिद्ध करके ज्ञान अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो गया? क्या ज्ञान की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या ज्ञान का कोई दोष नहीं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञान, देखो कल मैंने घी का और अग्नि का उदाहरण दिया, आप उसको फिर मैं मेंशन कर रहा हूं, और बाद में दूध का आया, बाद में विष और भोजन का भी आया, और भी 50 ले लो। जैसे मान लो, और एक नया उदाहरण देने की कोशिश करता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति इस स्विच में हाथ दे करके जल जाए, कहेगा मैं बिजली से जल गया। किससे जल गया? तार पकड़ा, तार से जला। तो तार से जला है या बिजली से जला है? अकेली बिजली कहीं पाई जाती है क्या? मैं आप सबको ये एक बात बहुत जोर से कहना चाहता हूं, एक बहुत गजब की बात मेरे पकड़ में आ रही है और मैं उसको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या बिजली अकेली कहीं पाई जाती है? वो जब भी पाई जाएगी किसी न किसी तार आदि पर पाई जाएगी। अग्नि जब भी पाई जाएगी किसी न किसी दूध घी आदि पर ही पाई जाएगी, अकेली अग्नि कभी नहीं पाई जाएगी। और इसलिए ये देखो, आपको एक गजब की बात बताऊं, समय सार गाथा नंबर 89 में ऐसा लिखा, पढ़ लेना आप बाद में, अभी दो तीन में आपको फोटो भी दिखाऊंगा जरा सी। ऐसा लिखा है, उपयोग के 5 भेद है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसायो। गजब हो गया, इसमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भरा है। उपयोग माने क्या? आत्मा के चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, आत्मा के चैतन्य व्यापार का नाम उपयोग है। और ये 5 तरह का है। संदेश भैया वो जरा 2 फोटो दिखा देना, हम पढ़ेंगे अभी 2 मिनट, वो बहुत अच्छी हैं, वो आप एक दफे देखो, एक बहुत अच्छी चीज आपको मैं दिखा रहा हूं कि क्या स्थिति है। हम लोग ज्ञान और राग की स्थिति को समझ लें। वाह, ये देखो, हाँ मैंने फोटो भेजी थी, आपने ओरिजिनल साफ वाली दिखा दी, बहुत अच्छा। देखो जरा सा मैं पढ़ रहा हूं, अथ ज्ञाना ज्ञाने, बस उसमें अर्थ भी था मेरी वाली में, अथ ज्ञाना ज्ञाने मोक्ष बंध हेतु नियमयति, ज्ञान मेव मोक्ष हेतु तद अभावे स्वयं अज्ञान भूतानाम अज्ञानिनाम अंतर व्रत नियम शील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म सद्भावेपि मोक्षाभावात्। और इधर दूसरी पार्टी, अज्ञान मेव बंध हेतु तद अभावे स्वयं ज्ञान भूतानाम ज्ञानिनाम बहिर व्रत नियम शील तप प्रवृत्ति शुभ कर्म असद्भावेपि मोक्ष सद्भावात्। ये समय सार की 152-153 नंबर की आत्मख्याति टीका है, और इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, अज्ञान ही बंध का कारण है। यदि अज्ञान है, और इसमें एक और नई गजब की बात कही है, यदि जीवन में अज्ञान है तो कितने भी व्रत नियम शील तप आदि भी हो, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और यदि ज्ञान है और कुछ भी नहीं है, कोई व्रत नियम शील तप नहीं है, तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंद का हेतु है। अभी एक और दूसरी फोटो भी इसके साथ पढ़ते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा आप सब लोग जैसे देख रहे हैं, इस पर थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये बहुत आगम का सबसे ज्यादा हम इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर पहुंच गए हैं कि बहुत जरूरी है। अब ये वाली तो आपको बहुत ही ध्यान देना है। 155 नंबर की गाथा की टीका है, आप इसकी तीन लाइन पर सबसे ज्यादा ध्यान चाहता हूं मैं आपको। देखो देखो अभी 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 बताते हैं सुनील जी। देखो मोक्ष हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार पंक्ति। मोक्ष हेतु किल सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी तत्र सम्यक दर्शनम तु जीवादि श्रद्धान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम। देखो ज्ञान का परिणमन ही सम्यक दर्शन है। जीवादि ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम ज्ञानम, ज्ञान का परिणमन ही सम्यक ज्ञान है। और रागादि परिहरण स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम चारित्रम, चारित्र भी ज्ञान के परिणमन का नाम है। तद एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी एकमेव ज्ञानस्य भवनम आयातम ततो ज्ञानमेव परमार्थ मोक्ष हेतु। ज्ञान के पेटे में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आने चाहिए, तब वो ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान के भेद तीन हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अज्ञान के तीन भेद है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उपयोग के पांच भेद है, चैतन्य आत्मा के चैतन्य व्यापार के पांच भेद है, मिथ्या दर्शन, अविरति, कसाय, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये सारे के सारे उसके व्यापार है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीनों अभेद है। लक्षण भेद से इनमें भेद है, क्या करे, अक्ष्यादवाद ही शरण है। यदि इनको सर्वथा भिन्न भिन्न कहते हैं तो भी विसंगति उत्पन्न होती है, और यदि सर्वथा अभिन्न कहते हैं तो भी बड़ी विसंगति उत्पन्न होती है। कैसी अद्भुत वस्तु स्थिति है, आत्मा में से एक साथ चैतन्य की धारा बह रही है और उस चैतन्य की धारा में एक स्वभाव का अंश है और विभाव का दूसरा विभाव का अंश है। और यहाँ आचार्य समंत भद्र स्वामी ये कहना चाहते हैं, पहचानो पहचानो पहचानो, जो विभाव का अंश है वो बंद का कारण है और जो स्वभाव का अंश है वो बंद का कारण नहीं है। वो ये बात हमसे बहुत गहराई से कहना चाहते हैं, इतनी गहराई से कि मैं एक परिच्छेद लिख सकता हूं, ग्यारहवां आप्तमीमांसा का। ज्ञान सदोष है या निर्दोष, देखो मुद्दा बना लो और एक परिच्छेद करें। अब रिजल्ट क्या रहा, ज्ञान सदोष, ज्ञान में कोई दोष होता है या नहीं होता है, क्या करें, तो एक परिच्छेद लिखा जा सकता है। एक पक्ष कहेगा ज्ञान में दोष होता है, ज्ञान सदोष होता ही है, ज्ञान सर्वथा दोष युक्त होता है, ये एक पक्ष है। ज्ञान सर्वथा दोष रहित होता है, ये दूसरा पक्ष है। फिर उभय एकांत बनाओ, अवक्तव्य बनाओ, सप्त बनाओ और सप्त भंगात्मक वस्तु स्थिति बनाई जाए, तब जाके इसका सुंदर समाधान हो सकता है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, अब आप लोग अपने विचार रखिए। देखो संदेश भैया,
इस प्रकार अभी बहुत सुंदर खुलासा आदरणीय भाई साहब के माध्यम से देखा। इसमें भी स्यादवाद ही है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र एक अपेक्षा से भिन्न है और एक अपेक्षा से तीनों अभिन्न है, एक हाँ। ही है। प्रकार बहुत सुंदर कुछ विषयों पर खुलासा आदरणीय भाई साहब के माध्यम से अच्छा हुआ। मैं ये चाहता हूँ, आज बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, मधु जी ने भी लिखा, सुधा नवीन जी ने भी बहुत बढ़िया लिखा, वो वर्धमान जी ने भी लिखा बहुत, वो संजय खनिया धाना ने भी लिखा, वीके जैन साहब ने भी लिखा। तो ये अगर कोई एक दो लोग, मैं चाहता हूँ नवीन जी आपका तो मेरे को बहुत ही पसंद आया, नवीन जी ने जो बनाया है, मेरा सबसे कहना है वो पन्ना जरूर से जरूर पढ़ना। देखो ये जो मोह है ना, ये लंगड़ा है, पंगु है, ये ज्ञान के ऊपर बहता है, ज्ञान की लाठी पर चलता है। अगर इसको ज्ञान की लाठी नहीं मिली तो वो चल नहीं सकता। ये तो ये वाला पेज तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, और अगर वो कुछ थोड़ा सा सुना दें तो बहुत आनंद आ जाए। देखो बोलिए, ये जो हेडिंग लगाए ना छोटे छोटे, ये बहुत सुंदर, देखो कितने सुंदर राइटिंग में, कितना बढ़िया। ये कम से कम ये एक पन्ना, पहला पन्ना ही काफी है, बस दूसरा ना पढ़ा जाए तो। एक पन्ना सब अपने पास, अपने ग्रुप में अपने पास रखो और उसको थोड़ा दो दफे पढ़ो। मैंने दो दफे पढ़ा है, मुझे बहुत आनंद आया। हाँ, कौन कह रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो पढ़ने में लग गया, आप लोग पढ़ा रहे हो मुझे। चलो जयीन जी, हाँ हाँ बताओ नवीन जी। तो ये भाई मतलब राग जो है हमारे ज्ञान का वो गुलाम है, जैसा हमारा निर्णय मतलब ज्ञान का हो निर्णय का हो उसी प्रकार से हमारे राग भाव होते हैं, इसी भाव को रख करके मैंने लिखा। मैं आपकी ये लाइन अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, राग ज्ञान का गुलाम है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राग ज्ञान का गुलाम है। और अभी मैं कल और इस पर चर्चा करने वाला हूँ, आप लोग चिंता मत करो। कोई सोच रहा होगा लंबा खींच रहे हैं मेरे को, पर मैं सोच रहा हूँ ये विषय बहुत जरूरी है, थोड़ा सा वक्त लग जाए पर ये जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा कहूंगा। हाँ बोलिए नवीन जी। ये था जी इतना, और जो आज आपने करा ना जी, मैं अभी तक मेरे को राग और ज्ञान, गुरुदेव का सुनता था प्रवचन, उसमें राग और ज्ञान में मेरे को हमेशा संशय रहती है, लेकिन जो आपने आज खुलासा करा ना, ये अभी बहुत उससे हुआ कि राग क्या और ज्ञान क्या, उसमें मैं और विचार करूंगा। बहुत अच्छा लगा आज आपका ये उपयोग, उपयोग में सब सब एक चैतन्य धारा बह रही है, एक उपयोग धारा बह रही है, उपयोग धारा एक है, ज्यादा है नहीं। आप कल्पना तो करो, इतने ऐसा भेद नहीं है, सहयाचल विंध्याचल जैसा अपन माथा मारी मार रहे, आएगा सब खुलासा होगा। और सुनते थोड़ा सा, देखो संदेश भैया जरा। दिनेश जी, हाँ हाँ दिनेश जी बताओ। जय जय डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बताइए। मैं एक छोटी सी बात आपसे भी लिखी थी मैंने, तो हाँ, अभी हाँ। आपने जो अभेद की बात करी है उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आचार्य उमा स्वामी ने कहा हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। हाँ। उसमें मोक्ष मार्ग तो एक ही है। हाँ। तो पहली विभक्ति एक ही है ना, और वो तीनों चारित्राणि तीनों को ले लिया। वाह, तो वह अभेद भाग लिया उन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जैन दर्शन पना ही इस बात पर है, अकेले अकेले तो सभी मानते हैं, और इसमें हम दूसरी बात घटाए कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि बंध मार्ग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसी से निकल के आया ये। तो दोनों हाँ। बातें क्लियर बता रही है कि मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में तीनों की ही अनिवार्यता है, जैसे हाँ, आपने हाँ, अभेद हाँ, पन्ना जो समय सार में लिया है बराबर। तो एक एक वो भी स्यादवाद का हमें पहलू देखना पड़ेगा कि कथनचित अभेद पना, जैसे हाँ, 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 में भेदाभेद परिच्छेद लिया है हाँ, तो कथनचित गुण जो है भेद है भी उनमें संज्ञा के नाम से और अपने अपने लक्षण के नाम से, लक्षण के हिसाब से, और कथनचित हाँ, भेद भी है,
सही है, वही अस्तित्व है, द्रव्य तो एक ही है सगुणों का। हाँ। और एक जैसे उस दिन अभय कुमार जी पंडित जी ने कहा था कि एक गुण में अनंत द्रव्यों का, अनंत गुणों का रस आ जाता है प्रभाव। हाँ। अनंत गुणों का उसमें वो आता है प्रभाव, कहते हैं कुछ और शब्द कहा था उन्होंने। हाँ हाँ, रूप रूप आ जाता है, रूप आ जाता है। हाँ। तो ये अभेदपना और ये जो एक दूसरे में रूप है दूसरे का, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग करके नहीं देख सकते कि ये ज्ञान का और राग का, अलग अलग तो सर्वथा हो जाएगी बात फिर। वाह, ज्ञान अलग पड़ा है, चारित्र अलग पड़ा है, हाँ 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 श्रद्धा का कोई मतलब ही नहीं है, जो मर्जी ज्ञान हो श्रद्धा उल्टी सीधी हो सकती है, तो हाँ ऐसा हाँ नहीं हाँ होगा। ऐसे नहीं होगा, एक सामंजस्य भी है तीनों में। बहुत जबरदस्त है। देखिए उपयोग को हम ले, ज्ञानोपयोग भी है जो ज्ञान का काम करता है, और शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, वो हाँ, चारित्र की अपेक्षा से आ जाता है। भाई उपयोग में दोनों बातें घट गई ना, हाँ तो ज्ञानोपयोग हमारा किसी बात को काम कर रहा है, समझ रहा है, तो वो तो ज्ञानोपयोग हो बिल्कुल। गया। लेकिन वही हाँ जब राग तेज के साथ मिलता है तो शुभोपयोग, अशुभोपयोग और राग रहित शुद्धोपयोग, हाँ उसमें भी तो तीनों को घटाया ना उपयोग में। बहुत बहुत सही, एकदम बहुत तो बढ़िया है। एकम एक बना भेद बना, मुझे लगता है कि ज्यादा हम उस दृष्टि से देखें तो हाँ, बिल्कुल ठीक से अपन किया था। अरे इतने तीन भी क्या, और मैं बताऊं, अपन स्थूल अपेक्षा से कहते हैं कि आत्मा के अनंत गुणों में से सिर्फ तीन विकृत हुए हैं, पर हाँ ये भी स्थूल कथन है। देखा जाए तो जब सब गुण इतने अखंड रूप से देखा जाए तो सर्वत्र विकार व्याप्त हो गया, हाँ अशुद्ध दशा में सब विकारी हो गए, शुद्ध दशा में सब निर्विक शुद्ध होंगे। एक एक प्रदेश में अशुद्धता है तो एक एक प्रदेश में आत्मा के, तो हाँ, पूरे में है। पर शुद्धता है तो सारे प्रदेशों में शुद्धता है, उस अपेक्षा से भी ये क्या है। करें, ये समझाने के लिए एक रस्सी खींचनी पड़ रही है, एक ढीली करनी पड़ रही है, और ये कैसे करें, कहें समझाएं, देखिए ज्ञान का स्वरूप कैसे समझाएं, इसलिए वो ऐसा खेल होता है। वस्तु तो अनंत धर्मात्मक है, तो उसको समझाए हाँ, कौन से कैसे, वो अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ रहा है उसको, यही बात है, यही बात वही है। स्यादवाद है, तो स्यादवाद से ही समझ सकते हैं इसको। हाँ, यही बात पकड़ में आ रही है कि स्यादवाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हमारी बराबर। सारी संख्याएं स्यादवाद से दूर हो सकती हैं। प्रज्ञा बहुत अच्छा लिख रही है कि दो भेद करो बस, मिथ्या उपयोग सम्यक उपयोग, और उसमें सब आ गया, सब आ गया, सब कुछ। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ और मधु सुनो। मधु जी हमारे बीच में है, वे भी यदि हाँ उन्होंने लिखा है वे यदि बताएं तो। आराम से चर्चा करो, बहुत आनंद आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस प्रज्ञा कुछ सुनाएगी, देखो जयसिंह चाचा, ये इतनी बिजी होकर के भी क्लास सुनती है, इसको बहुत काम होता है, समय नहीं मिलता, पर ये क्लास छोड़ती नहीं है, बिल्कुल लगी रहती है पूरा। चाचा छूटती नहीं है क्लास, कुछ भी कर लो, अब मंडे को एग्जाम है हाँ, तो भी सुन रही हूँ। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, यही तो मैं देख रहा हूँ, 8 घंटे की जॉब तो अलग है और आगे पीछे सारा काम करती है, और उसके बावजूद छोड़ती नहीं, क्लास नहीं छोड़ती एक भी। हाँ, बताओ। चाचा, अब देखिए, आज पांच प्रकार का उपयोग आप बता रहे थे ना, हाँ तो उसमें तो मिथ्या, आवृत्ति, प्रमात्कषाय और योग ही आप ले रहे हैं, हाँ तो वो तो पांचों मिथ्या हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। अब इनके सम्यक पहले बताइए। ऐसे करो जो आपने कहा ना, पहले ऐसे करो, उपयोग के दो भेद करो, मिथ्या उपयोग और सम्यक उपयोग, फिर मिथ्या उपयोग के 5 वेद करो, फिर सम्यक उपयोग के भी उधर 5 वेद कर दो, सम्यक दर्शन, विरति, अप्रमाद, अकसाय, अयोग, ऐसी 10-5 उधर बना दो, ये एक कर तो लो, 14 गुणस्थान बैठ जाएंगे इन पांचों में चौदह तो। बना लो, और कुछ भी कर लो। तो भगवती आराधना में लिखा है, जैन दर्शन में भेद विवक्षा वक्ता के अधीन है, एक करो, दो करो, तीन करो, चार करो, संख्यात करो, असंख्यात करो, अनंत करो, परिग्रह कितने प्रकार का, तो उन्होंने उत्तर दिया संयम कितने प्रकार का, बोले किसी भी चीज के भेद पूछे कोई
तो आपको भेद याद ना हो तो एक तरीका याद रख लो, शब्द से संख्यात, अर्थ से असंख्यात और भाव से अनंत, ऐसा भगवती आराधना की विजयोदय टीका में लिखा है। किसी भी चीज के भेद पूछे जाए आपसे तो आप ये मत कहना कि मुझको आते नहीं है, नहीं आते हो तो भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आना, इतना लिख आना कि इसके शब्द की अपेक्षा संख्यात भेद होते हैं, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात होते हैं और भाव की अपेक्षा अनंत होते हैं। तप कितने प्रकार का, कुछ भी पूछे तो बता दे, यही उत्तर है सबका। हाँ, और किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग। चाचा आप अभी मोह की बात कर रहे थे ना, आप एग्जांपल हाँ, दे रहे थे हाँ, तो एक एग्जांपल मेरे मन में भी आ रहा था। हाँ बताइए। कि अभी जैसे एग्जाम्स होते हैं हमारे हाँ, और बहुत सारे लोग बैठते हैं, 50-100 लोग बैठते हैं एग्जाम में हाँ, तो रिजल्ट अभी हमारा रिजल्ट आया है कोर्स वर्क का हाँ, तो मैं सेकंड हाईएस्ट रैंक है हाँ, अब जो फर्स्ट हाईएस्ट है ना हाँ, वो कोई भी हो, मुझे कोई उससे मुझसे कितने भी ज्यादा नंबर आए, 10 आए 20 ज्यादा आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक नंबर ज्यादा आया है फर्स्ट हाईएस्ट वाले का और वो संयम का आया है, मुझे इस बात का ज्यादा दुख है। मेरा हाँ, भाई है, एक नंबर ज्यादा लेके हाईएस्ट हो गया हाँ, तो हाँ, जो उसके ज्यादा आने से मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। देखो राग काम कर रहा है ना। शशि जी को भी सुनते हैं थोड़ा, देखो जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, हाँ सुनाइए। तो यहाँ मुझे एक और शब्द याद आया कि अपन ऐसा बोलते हैं ज्ञान प्रधान श्रद्धा का कथन और हाँ, श्रद्धा प्रधान श्रद्धा का कथन, ऐसे हाँ, दोनों को जो है उनको लेकर के अपन कथन कर सकते हैं। तो जैसे ज्ञान बंद का कारण कहा है तो अपन ये कह सकते हैं ज्ञान प्रधान श्रद्धा का कथन, बताना मोह को है हाँ, हाँ, लेकिन ज्ञान से बात करी इस प्रकार हाँ, से अपने हाँ, आता है ना। और डायरेक्ट ये बोला कि मोह बंद का कारण है तो श्रद्धा हाँ, प्रधान श्रद्धा का कथन हो गया हाँ, इस प्रकार से ज्ञान प्रधान श्रद्धा का कथन आता है कि श्रद्धा हाँ, को ज्ञान से बता रहे हाँ, और श्रद्धा को श्रद्धा से ही बता रहे, इस प्रकार हाँ, से भी अपन इसको बस वो कर सकते, सोच सकते ऐसा है ना। एक मैं ये हाँ, कह रहा था कि हाँ, जैसे अकेली अग्नि हमको पकड़ में नहीं आती, अकेली हाँ, बिजली हमको पकड़ में नहीं आती, ऐसे हाँ, ही मेरी श्रद्धा में क्या डिफेक्ट हो रहा है, ज्ञान हाँ, हमारे पकड़ में आता है, हमारे पकड़ में जल्दी से एकदम। आचार्यों ने कहा अच्छा, और एक बात है, ये जो चर्चा चल रही ना हमारी कि क्या ज्ञान हाँ, में भी कोई दोष है, तो देखा हाँ, जाए तो है ना, ज्ञान हाँ, में भी दोष है। ज्ञान जैसे मान लो ये घड़ी है तो ये घड़ी जानना एक बात, ये मेरी हाँ, है, ये भी ये सुख देती है, ये दुख देती का काम हो गया मन हाँ, में ये विकार किसका है, श्रद्धा हाँ, में विकार आया वो ज्ञान ने ऑर्डर दिया, ज्ञान जैसा ऑर्डर दे रहा है हाँ, जैसा जानेगा वैसा मानेगा जैसा हाँ, इसीलिए तो पुरुषार्थ सारा हाँ, का सारा ज्ञान में होना है, ज्ञान में करना है हाँ, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहे हाँ, ये मोह कम करो ऐसा नहीं बोल रहे, भेद हाँ, ज्ञान करो तो कम हो जाएगा ऐसा हाँ, बोल रहे, ज्ञान ठीक करो हाँ, क्या लक्षण लक्षण आत्मा का मोह नहीं बनाया था, लक्षण ज्ञान हाँ, बनाया था क्योंकि हाँ, उससे पहचान में आ रहा था, तो सारा पुरुषार्थ आचार्य ने ज्ञान में ही करने को कहा है हाँ, इसलिए हाँ, ज्ञान को भी भेद कर दिया उपचार से कि ज्ञान बंद का कारण है, कि घूमता फिरता तो ज्ञान इधर उधर सब द्रव्यों में हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब हाँ जी, बहुत अच्छा हाँ, वो जो ज्ञान भी जैसा ऑर्डर दे रहा है वो चीजों को मान रही है, वैसा एक बात आती है सदसतो रवि शेषाद सूत्र के अंतर्गत कि उसमें भी तीन दोष है,
कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास। जैसे मान लो ये चौकी है, तो ये चौकी जान, मिथ्या ज्ञानी चौकी को चौकी जान रहा है, तो हमें लग रहा है कि सही जान रहा है, लेकिन उससे पूछो इसका कर्ता कौन, कर्म कौन, करण कौन, संप्रदान, तो पता चल जाएगा, उसकी पोल खुल जाएगी कि वो तो गलत जानता है, वो तो गलत जानता है। वो ऊपर से उसने नाम रट लिया चौकी, लेकिन ये कारीगर ने बनाई, ये रामलाल ने बनाई, ये सुखदायक है, ये दुखदायक है, ये मेरी है, ये तेरी है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो